दोस्तों, मति रचित सुसमाचार नए नियम में दिया गया सबसे पहले सुसमाचार है, जो कि खुद प्रभु यीशु मसीह के चेले मति के द्वारा लिखा गया था। वो मति जो एक टैक्स कलेक्टर था, प्रभु यीशु मसीह के साथ रहा, प्रभु यीशु के साथ चला फिरा और प्रभु यीशु के तमाम कार्य को उसने अपनी आंखों से देखा। बाइबल में दिए गए चारों सुसमाचार अलग अलग ऑडियंस के लिए लिखे गए थे और वैसे ही मति रचित सुसमाचार भी एक पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए लिखा गया था, ज्यूस ऑडियंस के लिए, यहूदी कम्युनिटी के लिए जो उस समय पर वहां पर मौजूद थी। हाउएवर, जब हम मति रचित सुसमाचार को ध्यान से पढ़ते हैं तो वहां पर हमें कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई पड़ती हैं जो आज के समय में मसीह लोग इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते और ना ही उन प्रॉब्लम्स के बारे में जानते हैं और ना ही समझते हैं कि आखिरकार इनका सॉल्यूशन क्या है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे और कुछ नया और इंटरेस्टिंग आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, हम उन बातों को सीखेंगे। चलिए सबसे पहले हम इस पूरी कहानी को इसके कॉन्टेक्स्ट में समझ लेते हैं। देखिए, जब बालक यीशु का जन्म हुआ था तो हेरोदेस राजा ने ज्योतिषियों से पता करके कि उस बालक का जन्म कहाँ पर होगा, बालक यीशु को मरवाने का प्रयास किया। तब उससे बचने के लिए एक परमेश्वर का दूत यूसुफ के सपने में प्रकट हुआ और उससे कहने लगा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा और जब तक मैं तुझसे ना कहूँ तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। और फिर तब यूसुफ, मरियम और यीशु को मिस्र ले गए और कुछ समय बीतने के बाद स्वर्गदूत ने दोबारा यूसुफ को एक सपना दिया और उसमें कहा कि अब वापस चला जा क्योंकि हेरोदेस मर चुका है। वहां पर आगे इस प्रकार लिखा है, इसलिए अब वापस इसराइल को चला जा। लेकिन यह सुनकर कि अर्खलास हेरोद का बेटा अब यहूदिया पर राज्य कर रहा था तो यूसुफ डर गया और फिर स्वप्न में परमेश्वर से चेतावनी पाकर गलील के नासरत में चला गया। देखिए, मेन प्रॉब्लम यहाँ पर इस प्रकार स्टार्ट होती है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय उसकी 23 आयत में हम पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है, और वह नासरत नामक नगर में जा बसा ताकि वह वचन पूरा हो जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था कि वह नासरी कहलाएगा। इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है, एंड ही वेंट एंड लिव्ड इन ए सिटी कॉल्ड नाजरेथ दैट वाज स्पोकन बाय द प्रोफेट्स माइट बी फुलफिल्ड ही शैल बी कॉल्ड ए नाजरीन। अब देखिए, यहाँ पर मती जो कि मती रचित सुसमाचार के लेखक है, वो यहाँ पर एक भविष्यवाणी को कोट कर रहे हैं, एक पुराने नियम की भविष्यवाणी को, और वो लिखते हैं ताकि वह वचन पूरा हो जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था। मती का कहना है कि यीशु नासरी कहलाएगा, यह एक पुराने नियम की भविष्यवाणी है जो अनेकों भविष्यवक्ताओं के द्वारा की गई थी, किसी एक भविष्यवक्ता के द्वारा नहीं, बल्कि मती लिखते हैं कि जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। अब प्रॉब्लम स्टार्ट इसी कोटेशन को लेकर होती है, क्योंकि पुराने नियम में कहीं भी ऐसी कोई भविष्यवाणी है ही नहीं जहां पर लिखा है कि वह नासरी कहलाएगा, ऐसी एक भी आयत पुराने नियम में नहीं मिलती। अब देखिए, मीका 5 अध्याय उसकी 2 आयत की भविष्यवाणी में इस प्रकार लिखा है, हे बैतलहम एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता तो भी तुझमें से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इसराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता है। देखिए, यहाँ पर मीका भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी में क्लियरली इस बात को बताया गया है कि मसीहा बैतलहम से होगा, और नए नियम में सुसमाचार में हम देखते हैं कि मसीहा बैतलहम में ही जन्मे थे। अब देखिए, यूहन्ना 7 अध्याय की 42 आयत में लिखा है कि क्या पवित्र शास्त्र में यह नहीं लिखा कि मसीह दाऊद के वंश से और बैतलहम गांव से आएगा जहां दाऊद रहता था। तो बैतलहम की अगर बात की जाए तो ओल्ड टेस्टमेंट में और न्यू टेस्टमेंट में दोनों जगह ये क्लियर है, लेकिन जो बात मती ने लिखी कि वो नासरत में आ गया और इसलिए वो नासरी कहलाएगा, ये भविष्यवाणी कहीं भी पुराने नियम में नहीं है, लेकिन फिर भी मती ने अपने सुसमाचार में इसे कोट किया। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार मती ने ऐसा क्यों लिखा, जबकि मती खुद एक यहूदी था और यहूदियों को पुराने नियम की एक अच्छी खासी नॉलेज होती थी, तो फिर आखिरकार मती ने ऐसा क्यों लिख दिया? अगर लिख दिया तो क्या ये गलत है, और अगर लिखा है तो इसके पीछे क्या कारण है? चलिए दोस्तों, अब हम इस बात पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम यूहन्ना 1 अध्याय से देखते हैं। यूहन्ना 1 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह गलील को जाते हैं
और वहां पर फिलिप से मिलते हैं और फिलिप और नथानियल वहां पर यीशु को फॉलो करने लगते हैं। फिलिप उसने नथानियल से मिला और उसने उससे कहा, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ता ने किया है वह हमको मिल गया है, वह यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी। अब नथानियल ने ऐसा सुना तो उसका जवाब वहां पर क्या था उस पर ध्यान दे। उसने कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? फिलिपुस ने कहा, चलकर खुद देख ले। तो यहाँ पर नथानियल का सवाल था कि क्या कोई अच्छी चीज़ आखिरकार नासरत से कभी आ सकती है। उस समय नासरत और नासरत के सब रहने वालों को दोस्तों हीन भावना से देखा जाता था और सोसाइटी में उनकी इतनी अच्छी वैल्यू नहीं थी। पर आखिरकार नासरत में ऐसा होता क्यों था? देखिए, नासरत एक गैरिसन था जहाँ पर अनेकों रोमी सैनिकों को रखा जाता था। हमेशा रोमी सैनिकों की तैनाती रहती थी वहाँ पर और इसलिए यहूदी उस स्थान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, उसे अपवित्र मानते थे। इनफैक्ट नासरत से इतनी नफरत की जाती थी कि यदि किसी को उस समय नासरी बुला दिया जाता था तो वो मानो कि उसकी इंसल्ट करने के बराबर था, सिमिलर टू लाइक गाली देने के बराबर। यदि किसी को नासरी बुला दिया उस समय में तो मान लीजिए उसे गाली दे दी, उसकी इंसल्ट कर दी। तो वापस आते हैं अपने सवाल पर कि आखिरकार मती ने क्यों लिखा कि यीशु नासरी कहलाएगा जबकि पुराने नियम की भविष्यवाणी में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। दोस्तों, इसका जवाब हम पढ़ते हैं भजन संहिता 22 में, वहाँ पर देखिए और अनेकों कुछ भविष्यवाणियों को हम देखेंगे। वहाँ पर लिखा है, परंतु मैं तो कीड़ा हूँ, मनुष्य नहीं, मनुष्य में मेरी नामधराई है और लोगों में मेरा अपमान होता है। वे सब जो मुझको देखते हैं मुझसे घृणा करते हैं और होठ बिचकाते हुए यह कहते हुए सर हिलाते हैं। भजन संहिता जो 22 है उसे मैसियानिक सैम भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे रेफरेंसेस हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में। और ये जो भजन संहिता 22 की भविष्यवाणी के अनुसार हमने देखा तो यह बात क्लियर करती है कि क्यों यीशु को नासरी बुलाया गया था। अब याद रखें कि मती ने लिखा था कि वो वचन जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था पूरा हो, भविष्यवक्ताओं के द्वारा, मल्टीपल प्रोफेट्स के द्वारा, यानी कि अनेकों भविष्यवक्ताओं ने इसके बारे में लिखा कि वह नासरी होगा। लेकिन डायरेक्ट रेफरेंस नहीं है, इनडायरेक्ट मैंने आपको बताया भजन संहिता 22 से। तो चलिए हम और कुछ और भविष्यवाणियों को देखते हैं जो इस बात को क्लियर करेंगी। यशाया भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी के अनुसार उन्होंने इस प्रकार लिखा, यशाया 49 में उसके 7 में, जो मनुष्य से तुच्छ जाना जाता, जिससे जातियों को घृणा है और जो अपराधियों का दास है, उससे इज़राइल का छुड़ाने वाला और उसका पवित्र अर्थात यहोवा यों कहता है, राजा उसे देखकर खड़े हो जाएंगे और हाकिम दंडवत करेंगे, यह यहोवा के निमित्त होगा जो सच्चा और इज़राइल का पवित्र है और जिसने तुमको चुन लिया है। यशाया नबी की भविष्यवाणी में भी इस प्रकार हम पढ़ते हैं, उन्होंने इस प्रकार लिखा कि वह तुच्छ जाना जाएगा, उससे घृणा की जाएगी। और पढ़ने में बिल्कुल यह वैसा ही लगता है जैसे कि नासरत के लोगों के साथ व्यवहार किया जाता था। चलिए एक और भविष्यवाणी देखते हैं हम, यशाया 53 अध्याय उसकी 3 आयत, वहाँ पर लिखा है, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्य का त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुंह फेर लेते, वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य नहीं जाना। यहाँ पर गौर कीजिए, उसे तुच्छ जाना गया, मनुष्य का वह त्यागा हुआ था, लोग उससे मुंह फेर लेते और किसी ने भी उसका मूल्य नहीं जाना। और यह बिल्कुल वही सब चीज़ें हैं, वही कंडीशन हैं जो एक नासरत के निवासी यानी कि नासरी के साथ उस समय की जाती थी, जो एक नासरी महसूस करता था अपनी ज़िंदगी में। तो यस, बाइबल में जो प्रोफेसी की गई थी कि बैतलहम के बारे में वो बिल्कुल करेक्ट थी, लेकिन उसके साथ ही साथ सिमिलरली कि यीशु को नासरी बुलाया जाएगा, इसका हमें डायरेक्ट कोई रेफरेंस तो नहीं मिलता लेकिन इनडायरेक्ट रेफरेंसेस हैं कि क्यों उसे नासरी बुलाया गया था, क्यों उससे घृणा की गई थी और उसे तुच्छ जाना गया, जैसे एक नॉर्मल नासरत के व्यक्ति के साथ, एक नॉर्मल नासरी के साथ किया जाता था। तो दोस्तों, इस वीडियो के द्वारा मैं आपके सामने कुछ बातें क्लियर करना चाहता था कि जो मती ने लिखा है वो बिल्कुल करेक्ट है। ऐसा नहीं है कि उसका कोई रेफरेंस नहीं मिला है तो वो चीज़ बिल्कुल गलत है, नहीं, वह तुच्छ जाना गया था, लोग उससे घृणा करते थे, उसकी कोई वैल्यू नहीं की, किसी ने भी उसका मूल्य नहीं जाना। बिल्कुल सेम कंडीशन नासरत के लोगों की थी और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को एक नासरी भी बुलाया गया था।
दोस्तों दूसरी बात, यह सब समझने के बाद हम इस कंक्लूजन पर भी पहुंचते हैं कि बाइबल परमेश्वर का वचन है और 100% करेक्ट है। जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा कि वहां पर कोई डायरेक्ट रेफरेंस तो नहीं था, लेकिन इनडायरेक्टली जब हमने चेक किया, हमने रिसर्च की, तो हमने पाया कि उसके बहुत सारे रेफरेंसेस हैं। आखिरकार जो कुछ भी परमेश्वर के वचन में लिखा है वो बात क्लियर और बिल्कुल स्पष्ट साबित होती है। सो दोस्तों, आई होप कि आज आपने कुछ नया सीखा है। यदि आप और भी ज़्यादा ऐसी वीडियोस को देखना चाहेंगे तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आने वाले समय में बहुत सी नई वीडियोज़ आने वाली हैं। दोस्तों मिलेंगे जल्दी एक और नई वीडियो में, तब तक आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों